विराट कोहली के फैंस जिनको ये बात पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है खास करके लॉकडाउन किड्स, उनका तो दिल टूटने वाला है इस वीडियो से। भाई साहब विराट 18 करके कोई विराट कोहली की बायोपिक नहीं आ रही है, ना ही रामचरण तेजा विराट कोहली का रोल प्ले करने वाले हैं। और ये बात खुद रामचरण तेजा के मैनेजर ने कही है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अभी भाई तुम लॉकडाउन किड्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गूगल करके फैक्ट चेक नहीं कर सकते हो। खैर मैंने ये तुम्हारे लिए काम भी कर दिया है। रामचरण तेजा के मैनेजर ने कहा कि 2026 तक उनका शेड्यूल पूरा टाइट है और वो कोई स्पोर्ट्स मूवी या कोई बायोपिक नहीं कर रहे हैं। फिर ये बात उठी कहाँ से? दरअसल एक इंटरव्यू एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट्स मूवी करना चाहेंगे, तो रामचरण तेजा ने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहूँगा। फिर उनसे पूछा गया आप किसका रोल प्ले करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली का रोल प्ले करना चाहूँगा। बस ये बात सुनकर जो ट्रेलर आप देख रहे हो यूट्यूब में वो एक फैन मेड ट्रेलर है, उसमें जो भी क्रिकेट के सीन्स हैं वो या तो महेंद्र सिंह धोनी मूवी से ली गई है या तो 83 मूवी से या फिर ऐसी कोई मूवी से जिसमें क्रिकेट दिखाया गया हो। और सेम बात रोहित शर्मा द हिटमैन के लिए भी लागू होता है, ऐसा कोई मूवी नहीं अभी आ रही है। बिल्कुल विराट कोहली पर और रोहित शर्मा पर मूवी आनी चाहिए और आएगी भी, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऐसी कोई फिल्म ऐसी कोई बायोपिक नहीं बन रही है।